Hello students, welcome to the 43rd class on current affairs. This is part of the lecture series in which we'll be doing about 250 to 300 lectures for 2019 prelims and mains exam. Now in this class I will be dealing with a scheme related to agriculture. Name of the scheme is PM-AASHA, Pradhan, Mantri, Annadata, Sanrakshan, Abhiyan or Yojana. This is the name of the scheme recently launched by the government. Now in order to understand why this scheme has been launched, I will be going in the background, then I will be discussing the components of the scheme in this class. First of all, we need to understand the condition of farmer in India. Now we have different professions in India. Some people are doctors, some are engineers, some are writers, some are teachers, etc., etc. Now all these professions, they have grown or they have done quite well in terms of their income growth. But when it comes to agriculture, agriculture is one such profession that has not grown to the level it should have grown. So that is the reason hamara kisan kitna khudkushi karta hai, kyunki itna paisa nahi kama pata kisan. Koi remunerative nahi raha hamara jo krishi ka ye profession hai, ye bahut remunerative nahi hai. Usi ki wajah se नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक कमेटी को सेटअप किया, दलवेई कमेटी को. दलवेई कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा रेमुनरेटिव किस तरह से बना सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ गवर्नमेंट इट हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम कॉल्ड एज प्रधानमंत्री आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और योजना. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडियन फार्मर, अगर गवर्नमेंट का अगर पॉलिसीज को ब्रॉडली समझा जाए तो एग्रीकल्चर में दो तरह का पॉलिसीज है. द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी फोकसेस ऑन प्रोडक्शन एंड द सेकंड टाइप ऑफ पॉलिसीज दे फोकस ऑन मार्केटिंग. प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि पैदावार को किस तरह से बढ़ा करना है एग्रीकल्चर में, उसके लिए गवर्नमेंट सीड्स प्रोवाइड कराती है, इरीगेशन प्रोवाइड कराती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, बहुत तरह का सब्सिडी देती है. अगर जितना टोटल गवर्नमेंट का अगर हम स्कीम्स को देखें, 80% ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स दे फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्शन कंपोनेंट. बट एज फार एज मार्केटिंग कंपोनेंट इज कंसर्न्ड, दिस इज नॉट गिवन द फोकस दैट शुड बी गिवन. तो ये वाला एक निग्लेक्टेड कंपोनेंट रह जाता है जो मार्केटिंग का कंपोनेंट है. हमारा मार्केटिंग एग्रीकल्चर में ग्रो नहीं कर पाया. तो मार्केटिंग कंपोनेंट सिर्फ 8 to 10% फोकस है मार्केटिंग कंपोनेंट के ऊपर, ज्यादा फोकस प्रोडक्शन के ऊपर है. तो किसान पैदावार तो कर लेता है बट उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा पाता. अगर टोटल हम मार्केट्स देखें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के अंडर, जो हमारे शहरों में मंडियां होती हैं जहां पे सेल करने के लिए अनाज को लेके आया जाता है, टोटल मिला के सिर्फ 7000 के करीब मंडियां हैं. बट जो छोटा अगर मैक्सिमम अगर देखा जाए इंडिया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को अंडरस्टैंड करना है, इंडियन एग्रीकल्चर में 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं. एंड इस फार्मर का कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के शहर की मंडी में उसको सेल कर पाए. तो ये बहुत बड़ा लैकुना है कि इंडियन एग्रीकल्चर में. तो वी नीड टू एक्चुअली डाइवर्सिफाई मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव. हमें जो मंडियां हैं एग्रीकल्चर में, वो हमें हर गांव के आसपास मंडी को लेके जाना पड़ेगा. मींस कम से कम सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर की विसिनिटी में एक फार्मर को एक मार्केट होना चाहिए जहां पे वो अपने प्रोडक्शन को सेल कर पाए. अगर मार्केट नहीं होगा, इन दैट केस छोटा फार्मर बड़े फार्मर को कम रेट के ऊपर सेल कर देगा, उसको जो प्राइस मिलना चाहिए कमोडिटी का वो नहीं मिल पाएगा. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है 86% ऑफ फार्मर्स को लेके. गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम निकाला है. गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड एपीएमसी एक्ट, पहले हमारा था, फिर बाद में और भी बहुत सारा पैरेलल स्कीम्स गवर्नमेंट चला रहा है. एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारे पास. गवर्नमेंट ने एपीएमसी को रिवाइज करके एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. नाउ एपीएमसी और
ईनेम और एमएसपी, ये उस गरीब किसान के लिए रिडंडेंट पॉलिसीज हैं जो मंडी तक ही नहीं पहुंच पाता। ये जितना स्कीम है दे बेसिकली यू कैन ड्राइव बेनिफिट आउट ऑफ दीज स्कीम्स ओनली इफ यू विल रीच द मार्केट प्लेस, बट वी हैव वेरी फ्यू मार्केट प्लेसेस। हमारे पास मार्केट प्लेसेस बहुत ज्यादा नहीं है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप फॉर द फार्मर्स हु कैन नॉट गो एंड अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी, और जो सस्ता गांव में सस्ता सेल कर देते हैं, आसपास पड़ोसी को सस्ता सेल कर देते हैं, उनके लिए एक नया स्कीम आया है। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 2022 तक फार्मर जो इनकम है उसको टू टाइम्स करना है, टू टाइम्स इनटू इनकम करना है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इनकम को सपोर्ट देना है, इनकम को बढ़ावा देना है। और छोटे किसान का इनकम को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? गवर्नमेंट देखिए, लेट अस सपोज आई एम अ फार्मर, आई कैन नॉट गो टू मार्केटिंग कमेटी एरिया इन ऑर्डर टू सेल द यील्ड ऑफ द क्रॉप। व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली बी सेलिंग माई क्रॉप टू अ नेबरहुड फार्मर हु माइट बी अ बिग फार्मर, बट दैट बिग फार्मर विल गिव मी द लेस प्राइस देन व्हाट आई वुड हैव गॉट इन द मार्केटिंग कमेटी और by selling to the government directly by MSP, minimum support price। Government भी गांवों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि government का भी infrastructure food corporation of India का इतना नहीं है। So in that case I will have to sell my agricultural yield at a lesser price that will be even lesser than minimum support price। So ये जो gap है ये अब प्रधानमंत्री आशा स्कीम के अंडर गवर्नमेंट पैसा देगा मुझे, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी मैं कम सेल रेट के ऊपर सेल कर रहा हूं। एंड द प्राइमरी फोकस ऑफ पीएम आशा विल बी ऑन पल्सेस, दालों के ऊपर फोकस रहेगा, ऑयल सीड के ऊपर फोकस रहेगा एंड कोकोनट कंपोनेंट के ऊपर फोकस रहेगा। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज फार एज जूट इज कंसर्न्ड, एज फार एज व्हीट इज कंसर्न्ड, एज फार एज राइस इज कंसर्न्ड, इनका तो किसान एमएसपी ले लेता है, बट पल्सेस का, ऑयल सीड्स का एंड कोकोनट प्रोडक्ट्स का एमएसपी नहीं मिल पाता है। उसको मिल क्यों नहीं पाता? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मिल क्यों नहीं पाता? मार्केट्स बहुत ज्यादा नहीं है। मिल क्यों नहीं पाता? एफसीआई का रीच नहीं है, नेफेड का रीच के नहीं है। तो अंडर प्रधानमंत्री आशा योजना सबसे पहले तो प्राइज स्पोर्ट स्कीम गवर्नमेंट विल ट्राई टू एंट्रेंच थ्रू नेफेड, गवर्नमेंट विल ट्राई टू एंट्रेंच थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दिया है पल्सिस को लेके, ऑयल सीड्स को लेके, कोकोनट कंपोनेंट को लेके कि आप खरीद के लाइएगा उनको, किसान से लेके आइए, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पैसा दीजिए। एंड सेकेंड इज अगर किसान ने ऑलरेडी सेल कर दिया है मार्केट में तो सेकेंड कॉम्पोनेंट स्कीम का है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। जो भी गैप है दैट विल बी ब्रिज्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द 44th क्लास व्हाट वाज दैट स्कीम। एंड द थर्ड इज प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, गवर्नमेंट की रीच नहीं है, जो गांव में किसान बैठा है वहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाता। Because government is not able to reach to that farmer. Now what government is trying to do? Government is trying to privatize procurement. क्योंकि अभी तक हमारा focus ही production के ऊपर रहा है, तो marketing के ऊपर focus नहीं रहा है। Now government will actually go to those pockets through private players. It will be privatization of agriculture, you can say. So this was all for the class. This is very very important class. मुझे लगता है बहुत important है। Mains के लिए बहुत बड़ा jump मिल जाएगा आप लोगों को। Prelims में भी बहुत ज़्यादा clarity हो जाएगा। पर इस class से पहले आपको बहुत clarity होना चाहिए APMC क्या चीज़ है, MSP क्या है, ENAM क्या है। इन सब के लिए you can buy our video class package और you can get in touch with my team through my WhatsApp number that is 8459400000। तो ये number है
बहुत लोग बोलते हैं कि लिख दीजिए, जब बोलते हैं तो कई बार समझ नहीं आता है। 84594 पेंटा 0000000, इसको नंबर को सेव कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए कॉन्टैक्ट मी, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी क्लास आएगा, क्योंकि 2019 तक बहुत लंबा साथ रहना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।